हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं बेस्ट टीचर फॉर मैथ। ठीक है, देखिए सभी को बता, अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में स्टूडेंट्स जो हैं फंसे हुए हैं, या तो कहीं पर टीचर जो हैं मतलब क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, ऑफलाइन जो क्लासेस लेते थे उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है स्टूडेंट मैक्सिमम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मैथ का, या कहें मैथ कहें कोई भी सब्जेक्ट कहें उससे, तो वो सब क्या पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई कंटेंट जो है, जो कंटेंट की बात नहीं कर रहे, पूरा आपको कोर्स है वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, या फिर कोर्स जो रहेगा वो कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। और बुक्स प्रेफर जो रहती हैं वो स्टूडेंट्स की, पहले बता दूं मैं, कई स्टूडेंट कहते हैं कौन सी बुक प्रेफर करें, कौन सी बुक पढ़ें, तो सारी बुक अच्छी होती हैं, बस पढ़ना रहता है। ठीक है, पहले हमें बेसिक पढ़ना है, फिर उसके बाद जितनी बुक्स हों उनका आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जितनी बुक्स आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो कैट की बुक पकड़ के आप उसके मैथ के क्वेश्चंस लगाने लगो, नहीं। SSC की है तो SSC की क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, कैट की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको RRB ग्रुप डी की तैयारी करनी है उसकी ही करना है, पेपर देना है तो उसके ही क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा बहुत ऊपर चल सकता है। अगर बैंक के लगाना है तो बैंक के लगाओ, ज़रूरी नहीं है बैंक का एग्ज़ाम आप दे रहे तो आप SSC और SSC ज़्यादा टफ जो है क्वेश्चन पेपर लगाओ। माना बैंक की रीजनिंग टफ़ है बहुत ज़्यादा SSC है, लेकिन वो अलग है थोड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पहले आपको समझनी होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को बिना पता करे ऑनलाइन आ जाएंगे, ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर आ जाएंगे, तो काफ़ी समय लग जाएगा पता करने में कि भाई कौन सा टीचर से पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना। तो बेसिक जो रहता है पहले थोड़ा बहुत हमें या तो क्लियर होना चाहिए, या फिर हमारे कोई स्टूडेंट पढ़, हमारा कोई दोस्त पढ़ रहा है, या हमारा कोई रिलेटिव पढ़ा है पहले ही कहीं पर जाकर पढ़ा है, तो उनसे थोड़ा हमें पूछना होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि भाई आ गए और यूट्यूब पर बिल्कुल ऑनलाइन आ गए, किसी का पूछा किसी का बताया, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बता देता हूँ आपको, पहला टीचर जो रहता है जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, और ऑल जितने भी क्लासेस हैं सारी फ्री हैं। ठीक है, टोटल फ्री क्लासेस हैं, नाम है रेमू सर। ठीक है, कहाँ मिलेंगी, एप्ट्रिक्स मिलेंगी, इनका एक और क्लास है, इनका एक और चैनल है एप्ट्रिक्स का। ठीक है, दो चैनल हो गए हैं, तो एक चैनल पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी थोड़ा जनरल अवेयरनेस मैं कहूँगा, जनरल अवेयरनेस का टीचर जो है अभी इनके यहाँ पर नहीं था। ओके, बाकी इंग्लिश रीजनिंग मैथ के लिए दो टीचर हैं। ठीक है, तो ये जो रेमू सर हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा का सारा जो कोर्स है वो सारा अवेलेबल है, फ्री है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे अगर मैं कहूँ SSC के स्टूडेंट कहें और बैंक के स्टूडेंट कहें, वो दोनों के दोनों जितने भी स्टूडेंट हैं वो इनके कोर्स से पढ़ सकते हैं। ओके, और बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। अगर देखें तो आप 6 महीने की वीडियो दिखा उठाकर देख लीजिए और इनके कोर्सेज उठा के देख लीजिए, काफ़ी अच्छा जो एनालिसिस आपने अगर देखा होगा, अगर SSC के एनालिसिस अगर इनके देखेंगे तो बहुत अच्छे एनालिसिस होते हैं। देखिए, मैंने जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पर मैंने जो है टीचर्स को रखा है, वो क्यों रखा है वो ही बता देता हूँ। पहले सबसे पहला जो चीज़ है वो फैक्टर आता है कि इनका जो कोर्स है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पे इम्पैक्ट कर रहा है रेमू सर का। ठीक है, फिर इनका जो है क्या क्या ये पढ़ा सकते हैं, तो ये बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ा सकते हैं रेमू सर। ठीक है, सेकेंड चीज़, इनका कंटेंट जो है वो फ्री है या पेड है, इसके बेसिस पे मैंने जो है इनको रैंकिंग दी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं रेमू सर, सेकंड पे देखें तो सेकंड पे आते हैं पवन राव सर। अब पवन राव सर की देखिए बता दूं, कुछ क्लासेस पेड है, कुछ क्लासेस फ्री हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे जितनी भी है वो फ्री हैं, और अर्न अकेडमी पर इनको फॉलो कर सकते हैं आप, थोड़ी पेड जो है प्लस क्लासेस रहती है इनकी, लेकिन इनकी जो मैक्सिमम क्लासेस हैं जो आपको अटेंड करनी है, देखिए अगर मैं कहूँ रेमू सर की क्लासेस है वो आप बेसिक से लेकर यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक से लेकर अगर आप बात करें पवन राव सर की, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेगा एडवांस लेवल का। ठीक है, ज्योमेट्री मिल जाएगी, अर्थमेटिक यहाँ पर आप नहीं पढ़ पाओगे इतना अच्छा, लेकिन बाकी जितना एडवांस मैथ है वो सब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ज्योमेट्री है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री है, ओके, एलजेब्रा है, जितना भी आपको एडवांस मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एडवांस मिल जाएगा, और एडवांस
के मामले में ये बहुत अच्छे टीचर हैं और काफ़ी अच्छा जो है मैं कहूँगा इनका समझाने का तरीका है। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। क्वेश्चन जो रहते हैं वो काफ़ी डीपली ये समझाते हैं। ठीक है, माना कि इनसे भी ऐसे भी टीचर हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो और इससे भी अच्छा समझाते हैं, लेकिन फ्रेंड ये जो है वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं अगर आप देखें एडवांस मैथ के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर नंबर थर्ड पे हम देखें तो गगन प्रताप है। कई लोग बोल रहे हैं भाई नंबर फर्स्ट पे होना चाहिए था, लेकिन नंबर थर्ड पे क्यों रखा है मैंने, कुछ कारण है। देखिए, इनके मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं आजकल जो हो गए हैं वो हो गए हैं पेड। ठीक है, क्योंकि राकेश यादव की चैनल पर ये जो है आ गए हैं। ओके, अब बहुत टाइम से हो गए इनको, तो कुछ वीडियोस हैं जो फ्री हैं और फ्री वाली वीडियोस भी अच्छी हैं, ख़राब नहीं है। काफ़ी लेंथ वाली वीडियो 10-10, 12-12 घंटे की इनकी वीडियोस डली हुई हैं। ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप इनको इनकी वीडियोस देख सकते हैं। और अर्थमेटिक जो यानी कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो इनसे अच्छा जो है ये बहुत अच्छा समझाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनसे अच्छा कोई नहीं समझ, लेकिन अच्छा समझाते हैं, बेसिक से लेते हैं तो बहुत बेसिक बेसिक भी समझाते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन एकदम से करा देते हैं। तो आप अगर इनसे पढ़ रहे हैं तो पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, फिर आप बुक्स के क्वेश्चंस लगाइए, फिर उनके इनके जो क्वेश्चन है वो लगाइए, क्योंकि इनके क्वेश्चन लगाने आप बैठ गए एकदम से तो हो सकता है आप क्वेश्चन ना कर पाए। तो ये जो है बिगनर्स के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा दिक्कत है। तो जो जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत आता है, तो उनके लिए जो रहेंगे वो बेस्ट हैं। और इनकी क्लासेस जो रहती है राकेश यादव के चैनल पे आती हैं और काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स भी है टीचर्स का। ठीक है, और सॉरी स्टूडेंट्स का। यहाँ पर आते हैं हम फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर है राकेश यादव। इनकी सारी क्लासेस मैक्सिमम जो है पेड हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस ये मिलेंगे आपको यूट्यूब पर, तो सारी क्लासेस पेड है और फोर्थ नंबर पे और सारे स्टूडेंट्स के लिए इनकी कोशिश रहती है वो अवेलेबल रहती है। और इनका अगर आप देखें चैनल देखें तो चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, उनका पेड क्लासेस लेते हैं, कोर्स लेते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस कह सकते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर विवेक सर को देखेंगे, ठीक है, गगन प्रताप सर को देखेंगे, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ठीक, करंट अफेयर, सारी चीज़ें जो है आपको टाइम टू टाइम मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन पेड इन पर करना पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें फिफ्थ नंबर, तो बहुत सारे स्टूडेंट शायद ना जानते हो इनको, इवन क्लास इवन कोचिंग सेंटर है। ठीक है, बुदेश सर हैं ये, और फाइव नंबर मैंने रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि इनकी सारी लगभग क्लासेस फ्री हैं और काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, बिगनर्स के लिए अगर देखें तो ये बहुत बढ़िया है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जो है हार्ड जो लेवल रहता है वहाँ तक जाते हैं और एडवांस लेवल भी अच्छा खासा ये पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं इवन कोचिंग क्लासेस, और उनकी सारी क्लासेस लगभग आपको फ्री मिल जाएंगी यूट्यूब पर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, मैंने रैंकिंग नहीं दी है, सिक्स नंबर पर हैं साहिल सर। साहिल सर को मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं ग्रुप डी वाले जानते होंगे। ठीक है, और ये वाईफाई स्टडी वाले जो हैं लगभग सारा कोर्सेज जो हैं आपको अवेलेबल है, फ्री है, वाईफाई स्टडी मिल जाएगा। अगर वाईफाई स्टडी की बात करूँ, अड्डा 247 की बात करूँ, महिंद्र ग्रुप की बात करूँ, ये तीनों जो चैनल हैं वो तीनों सेम रैंकिंग के हैं, लेकिन अड्डा 247 की बात करूँ, महिंद्र ग्रुप की बात करूँ तो ये बैंकर्स के लिए हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पर जो साहिल सर हैं वो मैथ पढ़ाते हैं, बेसिक लेवल का मैथ पढ़ाते हैं, तो बेसिक लेवल आप पढ़ सकते हैं और बिगनर्स के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, बिगनर्स यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एसएससी लेवल तक जाने के लिए थोड़ा सा इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, रेमो सर तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो टीचर्स हैं ये सबसे बेस्ट हैं और आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ऐसा भी लगता है कि इनमें से कोई और एक और टीचर है या कोई टीचर रह गया रहे, तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट टीचर थे वो आपको बताए, और जो कोर्सेस इनके अवेलेबल हैं फ्री में वो मैंने आपको बताए हैं, और जिनके पेड हैं उनका मैं बताया, लेकिन फ्रेंड्स उनके कुछ उन वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।